कल हम आपके साथ एक फॉर्म बनाए थे जिसमें मैंने यहाँ पे किया था कि मैं यहाँ पे नाम लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ नीतू, और यहाँ पे मैं किया मान लीजिए सिटी में कानपुर, और यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया, कोई ऐसा अमाउंट है डाल दिया, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, मुझे पॉपअप दिया कि डू वांट टू सेव द सॉरी यूर डेटा हैज बीन सेव, ओके किया, तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। और डेटा शीट में बन गया, डेटा शीट पे गए तो देखिए यहाँ पे आज के डेट में करेंट टाइम पे, और यहाँ पे मेरा डेटा ऐड हो उठाइए ठीक गया। अब इसमें कुछ करेक्शंस है। सबसे पहला कि इसमें हम कुछ कंडीशंस देना चाहते हैं, उससे पहले एक और चीज करना चाहते हैं कि मेरा जो डेटा जो सीट दिख रहा है आपको, ये जिस फाइल में हमारा एक सीट डेटा है उसी फाइल में हमारा फॉर्म भी है। तो मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, डेटा जो हो, क्योंकि मैं डेटा को इसको हाइड कर सकता हूं लेकिन दिक्कत होगी। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक लोकेशन पे मेरा डेटा रखा रहे और कई सारे लोग इस फॉर्म में एंट्री करें। हालांकि मैंने ये चीज बनाई थी अपने ऑफिस में, तो क्या था कि मुझे जो है कई सारे स्टाफ से कुछ इंफॉर्मेशन डेट वाइज हर डे लेना होता था, उनके वर्क परफॉर्मेंस रिलेटेड जो है कुछ एंट्री थी, कुछ इंफॉर्मेशन जिसे लेना होता था, और तकरीबन जो 70-80 लोग थे, और जाने से पहले मुझे वो इंफॉर्मेशन देते थे डेली बेसिस पे। तो वो लोग मुझे फाइल मेल करते थे, तो मुझे शाम को क्या करना होता था कि उस फाइल को सारे से सबसे फाइल लेके उसको कलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट को मेल करके फिर वापस मेरे घर जाना होता था। और अक्सर जो है 10, क्योंकि 70-75 लोगों से कम्युनिकेट करना, फिर 70-75 मेल को ट्रैक करना, फिर उस डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना, काफी ज्यादा टीडियस जॉब था। हर दिन में घंटे 2 घंटे लेट हो ही जाता था, और सारे लोग मेरे एक ही सिस्टम पे बैठे थे, शेयर ड्राइव, सबके पास शेयर ड्राइव का एक्सेस था। तो मैंने कुछ ऐसा ही फॉर्म बनाया, ये तो छोटा फॉर्म है, एक फॉर्म था, अच्छा सा फॉर्म था, फॉर्म बनाया और हमने डेटा बनाया। लेकिन जो डेटा वाली फाइल थी उस फाइल को मैंने सेव करके रख दिया किसी अलग सीट पे, किसी अलग फाइल पे, जैसे कि ये फाइल है ना, इस फाइल के इसको हम सेव एज करते हैं। सेव एज करके मैं इसको रख देता हूं मान लीजिए डी ड्राइव में 2018 नाम के फोल्डर के अंदर, और डेटा नाम से, समझ गए। तो मेरी जो ये डेटा वाली फाइल है वो कहां पड़ी है, वो पड़ी है यहां डी ड्राइव में 2018 नाम के फोल्डर में। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जब मैं बटन बनाऊं, बटन पे क्लिक करूं, तो ये जो डेटा है यहां पे जो भी लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं पुनीत, सिटी में देता हूं मान लीजिए नोएडा, और अमाउंट डाला, उस फाइल के अंदर एंट्री कर दे, और यूजर को पता भी नहीं चले कि डेट एंट्री कहां गया है। तो प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है? हेलो, प्रॉब्लम समझ में आया? कृष्णा जी, नवल जी, एसएस गुप्ता जी एंड सौरभ जी, सर हाँ प्रॉब्लम है इसके सर बार बार फेस। हेलो।
मोना मोनू ने कॉल करे जरा संतोष है एक एक कॉल है। तो यहां हम विजुअल बेसिक से आते हैं और जो कल वाली मैक्रो है हमारी इसी मैक्रो को हम कॉपी करते हैं। देखिए पेज करता हूं और सेंड वन के नाम से बनाता हूं सेंड फाइल। तो कल वाली प्रोग्रामिंग जैसी थी वो सेम होगा बट इसमें क्या चेंज होगी पता आपको? सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। क्यों? कि जब तक क्योंकि कोई भी एक्सेल फाइल चाहे वीवीए के थ्रू हो या आप मैनुअल हो जब तक उस फाइल को आप ओपन नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर किसी भी तरह का डेटा एंट्री नहीं कर सकते। समझ गए? तो सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए यहां लिखेंगे हम वर्क बुक्स डॉट ओपन, राइट? और ओपन कहां से करना है उसका पाथ देना पड़ेगा। तो उसका पाथ ये रहा इन्वर्टेड कॉमा में यहां पे देना पड़ेगा। तो किसी फाइल को ओपन करने का कोड जो है ये है और यहां पे डेटा डॉट एक्स एल एस एम इसका एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन पता ना हो तो उस फाइल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाइए और यहां देख लीजिए क्या एक्सटेंशन। तो फाइल को हमने लिखा कि वर्कबुक डॉट ओपन और यहां पे डिटेल्स हमने दे दिए। अब बात आती है डेटा डॉक्स में ले लेता हूं यहां। अब जैसे कि यहां पे क्या रखा है कि सीट डॉट रेल ए बाई ए। अब इसमें इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स क्योंकि सीट फिर अगर हमने बुक का रेफरेंस नहीं देंगे तो जो एक्टिव वर्क बुक है उसी में से उठाना शुरू कर देगा। तो जहां जहां हमने सीट का रेफरेंस कल की क्लास में दिया है वर्क बुक ऐसे देना पड़ेगा। तो जहां जहां हमने सीट का रेफरेंस दे रखा है डेटा का वहां वहां उसके आगे जो है मुझे उसका फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद अब यहां पे देखिए कि हमने सीट में फॉर्म दे रखा है तो फॉर्म सीट भी फॉर्म फाइल है तो मुझे इसके आगे इसका भी फाइल रेफरेंस लगाना पड़ेगा और डेटा के जगह पे हमारा हो जाएगा फॉर्म रेफरेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा डेटा सेव्ड हो गया और यहां पे क्लियर किसको करना है फॉर्म को ये भी देना है। ध्यान रखिए कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये हमारा कोड एंट्री हो गई। अब बोले यहां पे हमने फाइल ओपन किया है तो जब तक फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो ये तो ओपन ही रह जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, ओपन ही रह जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि वर्क बुक्स और इसमें हो जाएगा आपका डेटा डॉट एक्स एल एस एम डॉट क्लोज ट्रू। ऐसे ट्रू करने पे सेव हो जाएगा फिर भी हम यहां पे एक बार सेव भी डाल देते हैं सिक्योरिटी के लिए। डबल हो जाएगा भाई, डबल कॉन्फिडेंस की डेटा हमारा सेव है। तो डेटा को सेव करके डेटा को फाइल को क्लोज कर देगा। तो यहां पे फाइल को ओपन करेगा, डेटा एंट्री करेगा कल वाली मेथड से, कल की जो क्लास जिस मेथड से, और फिर फाइल को सेव करके क्लोज कर देगा। अब चलिए एक बार यहां से दूसरा इस माइक्रो को दूसरे बटन पर असाइन करते हैं।
सेंड फाइल एंड ओके, और यहां पे सेंड डेटा टू फाइल, टू फाइल। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा, एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। पाथ एग्जिस्ट, इसमें क्या है कि डिबग, ये पाथ को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डेटा डॉट एक्स एल एस एम। एक मिनट देखने दीजिए कि पाथ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा 2018। सही तो है पाथ, यहाँ पे एक्सेल एक्स है, माफ कीजिएगा, एक्सटेंशन गड़बड़ हो गई है इसलिए। एक्सटेंशन गलत हो गया, विदाउट मैक्रो फाइल शायद। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, दोबारा करता हूँ। बोल, अच्छा सब में चेंज करना पड़ेगा, सब में चेंज करना पड़ेगा, देखिए में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा चीज का। मैं सबको सलाह दे रहा हूँ, मैं ही गलती कर रहा हूँ। को भी सिखाने के लिए कर रहे थे। डेटा इज सेव करो, फिर स्किप्ड आउट ऑफ रेंज फॉर्म डॉट, अच्छा यहाँ पे एक्सेलस एम ए एम होगा क्योंकि ये माइक होने वाला है। ठीक है, डेटा फाइल क्लोज हो गई, लेकिन फाइल नहीं ओपन है। अब मैं दोबारा करता हूँ, अभी इसमें कोई किसी भी तरह का डेटा डेटा दिक्कत नहीं हुआ कि ओम डैलरी और अमाउंट। सेंड अनदर फाइल, ओके सेव टू। और इसमें दो जर्जर दिक्कत है, ये जो आया है ना ये लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि इससे माइक्रो फाइल खुली रह जा रही है। ठीक है, पहला मैसेज बॉक्स। अब देखिए फाइल को ओपन करके देखिए कि आपका फाइल में डेटा एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो एंट्री हमने की है, दो एंट्री इसके अंदर होनी चाहिए, दो एंट्री है। ठीक है, और अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो अभी आपको पता चल रहा है ना कि फाइल खुली है, क्या सर, इन द सिटी में उदयपुर और अमाउंट डाला हमने, तो सेंड पे क्लिक करते हैं तो पता चल रही है कि फाइल खुल रही है। तो अगर आप अपने माइक्रो कोड में ऊपर में यहां पे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले, नहीं स्क्रीन अपडेटिंग, माफ कीजिएगा स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स कर दे, तो आप जब डेटा एंट्री करेंगे तो जो स्क्रीन का जो इफेक्ट होता है जिससे पता चल रहा है कि भाई पीछे कुछ हुआ है, वो भी पता नहीं चलेगा, एकदम ऑप्शन की तरह अप्लाई होगा और आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बोला था कि इस माइक्रो को रेफरेंस में लेके, जो कि चीजें बताई थी आपको ऊपर वाले, इसको रेफरेंस में लेके एक अच्छा सा फॉर्म बनाने के लिए, बट आप लोगों ने बना के मुझे भेजा नहीं। फिर इस फॉर्म में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया कि ए फाइल को अनदर फाइल से भी कर सकता है, इसमें बीजीए के अलावा और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है कि इसमें जो है, मैं चाहता हूं कि इन तीनों के अलावा कहीं और जिना मेरा कर्सर ना मूव हो, तो आप कंट्रोल सेलेक्ट कर प्रेस करके इन तीनों को सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट सेल में जाएं
और प्रोटेक्शन से अनलॉक्ड कर दे। और फिर प्रोटेक्ट सीट करते समय सिलेक्ट लॉक सेल जो है आपका उसको अनचेक करके ओके कर दे। अब मेरा कर्सर जो है इन तीनों पे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, तो एक तरह से डेटा एंट्री और आसान हो गई। ये फॉर्म मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग जो है इस फॉर्म को रेफरेंस पे ले और मुझे बना के दें एक अच्छा सा फॉर्म, जो कि मैंने कल भी डिमांड किया था और आज भी मैं आपको डिमांड कर रहा हूं। ठीक है, कल वाली वीडियो अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं कल वाली वीडियो जो है आपको अभी भेज देता हूं। कल वाली वीडियोज भी मैं इसमें डाल देता हूं। अच्छा, मैं कल क्योंकि कुछ लोग थे ज्वाइन थे इसलिए मैंने डाल दिया था यूट्यूब पे। तो ऐसे हर वीडियो YouTube पे नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ कि कुछ लोग एज ए डेमो ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फाइल ही भेज दिया और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दी और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा।